को पूरा किया, संग संग हमेशा हमारे यहाँ। आओ प्रभु में आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। आओ प्रभु में आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाए। ईश्वर की अवर्णी देन की प्रतीक उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। आज फादर जी जय बताया आपको, कितना लोगों को समझ गया फादर जी को मालूम नहीं है, कम से कम 3-4 जन को अच्छे से मन के मन वजन का अग्नि मिल गया है। बाकी लोगों को भी फादर जी का अभेशा इतना है, वो दृष्टांत और आपने याद में रखो, अपने घर के बच्चों को आपके बीमारी आए तो आप खुद डॉक्टर के पास जाना, है ना। अपने पेट के बीमारी आए तो पेट को और डॉक्टर को दिखाना, छाती में दर्द है तो पेट दिखाना का नहीं है। जैसे अपने घर के प्रॉब्लम के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला दुनिया के अपने एक ही एक उत्तर है, अपने ईसा मसीह। वो वजन के रूप में घरोगरी है, घरोगरी है। आप जब समस्या में आएंगे, तदली में आएंगे, आप मार्ग सत्य जीवन में वो बतन बधाया, वो वजन आप खुलो, खुलना उधरी आपको उत्तर मिलेंगे। जरमिया का पुस्तक अध्याय 36:14 में लिखा है, एक ग्रंथ में नहीं देखेंगे ऐसे दुनिया में कुछ भी नहीं है। जोड़ी के बिना ये दुनिया में कुछ भी सृष्टि नहीं किया। आपको दर्द है तो और कुछ प्रॉब्लम है उत्तर मिलेंगे। आपको कर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो ये भजन में, भजन देखो आपको उत्तर मिलेंगे। आप इधर उधर नहीं जाना पड़ेंगे। आज विशेष हमें आपको ये बोलने में अभी ये 2 मिनट लिया है। जे डॉक्टर पूरा से अनुभव है, उनको विशेष वरदान मिला है, वो डॉक्टर से जाके मिले तो उन्होंने जे गाड़ी दुरुस्त बनाया, वो इंजीनियर को मिल गया तो वो इंजीनियर आपको प्रॉब्लम से 1 सेकंड में निकाल देंगे। इसलिए वजन के विशेष अनुभव और अभिषेक प्राप्त हो गया, एक गिफ्टर पवित्र आत्मा से अभिषेक, वो बोलने के लिए मैं आज वजन मिला लिया था। मादा मरिया जैसे, एक मादा मरिया दोबारा वजन गर्भ धारण किया वाला एक पुरुष है अपने थॉमस पॉल, उससे एक अनुभव लेके आशीर्वाद देके एक वजन ले जाओ। इधर 5 रुपये का भी छोटा सा बाइबल मिलता है, अपनी जिंदगी पूरा परिवर्तन। इसके बापतिस्मा का जरूरत नहीं है और कुछ भी जरूरत नहीं, वजन सभी लोगों को ले सकते। इसलिए ईसा मसीह 2 रूप से रूपांतरीकरण किया है, वजन बापतिस्मा किया लोगों के लिए नहीं है, दुनिया के सभी को। परम प्रसाद बापतिस्मा किया विशेषीय अलग रूप से लिया लोगों के लिए, पर परम प्रसाद ये दुनिया के सभी लोगों को। इंसान लोग जानवर के लिए भी जमता है, इसलिए डॉग की वजन सुनते समय घुटने टकते, मल से वजन सुनते समय चंगाई ब्रदर जी बोलता है उसके बारे में बोल दिया होगा। इसलिए वजन सारे दृष्टि के लिए, इसलिए कम से कम प्रिय में चाहिए तो भी ब्रदर जी फादर जी के पास होगा, आप पूछो और वजन फादर जी के पास लेके आके आप वजन के साथ एक आशीर्वाद करके आप जाइए, आपको जिंदगी का सभी प्रॉब्लम के लिए वो वजन आपको मार्ग दिखाएंगे। हालेलुया। अभी हम 70 आशीर्वाद के लिए अपने हाथ जोड़ेंगे, अपने जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य से आपने आए हैं वो सब आपको प्राप्त करने की कृपा ये समस्या दे दिया है। नहीं तो ये वजन से आप वजन भाव लेके जाइए, उसमें से आपको मिल जाएंगे और कृपा आपको मिलने के लिए ये लास्ट ब्लेसिंग आपको दे दूंगा।
हे प्रभु तू अपनी कृपा तथा अनुग्रहों से हमारे तृण मोचन के लिए हे महिमामय पवित्र जीवनदाय दिव्य रहस्यमय प्रदान किया इस दानों के लिए हम तेरे परम धन्य त्रित को स्तुति आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह मानवों की आशा की जरा था तूने अपनी महिमामय पवित्र जीवन दायु दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारे भूलों को दूर किया है। परम धाम ये देने सदा ही धन्य है। आमीन। हे प्रभु मसीह ने अपने शरीर द्वारा हमने इन महान पवित्र जीवनदाय रहस्य द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह की वासना स्तुति और वंदना किए वह हमें इस योग्य बना दे कि हम भरोसे के साथ स्वर्गीय यरूशलेम में उसकी सम्मुख विघमान हो जाए और पवित्र दूतों के संग आनंद मनाए उसकी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो। हम सर्विश्वप कलीसे उसके संधानों आज विशेष ये पूजा बलिदान में दे उद्देश्य अर्पण करके पूजा पूरा प्रार्थना किया है वो प्रार्थना पूर्ण करने करी था अब सदा और सर्वथा आमीन। क्षमा की विधि प्रणाम हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है उसे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिरा कर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह सनातन पुरोहित तू अपने पुरोहितों को सारी विपत्तियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र देह में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर रक्त को रोज अपने हाथों में लेते हैं उन्हें पवित्र कर उनके हाथों में कोई भी कलंक न लगने दे। उनकी जीभ को निष्कल रखने दे उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहपाशों से मुक्त करे उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम तो पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे।